नेक्स्ट इज सेल। अब आगे देखते हैं सेल की डेफिनेशन। व्हाट आर सेल्स? सेल्स आर स्मॉलेस्ट लिविंग सब यूनिट्स ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी सब यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल। अब कंपेयर करें, जैसे एक मकान बना हुआ, पूरा घर बना हुआ है, किससे मिलकर बना होता? ईंटों से मिलकर बना होता है। वो ईंट अगर हम सेल अपने ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें, वो क्या है? ईंट है, सेल है हमारी। दो टाइप की सेल होती हैं, फर्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। राइट, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो होती ह्यूमन बॉडी में, और दूसरे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स में होती है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होती है, इसको हमको एक ट्रू न्यूक्लियस कह सकते हैं। जैसे आपने आगे देखा भी है कि दी सेल कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल न्यूक्लियस। राइट, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया में होती है, उसमें क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब देखते हैं हम लोग एनिमल सेल। दिस इज द बेसिक एनिमल सेल, ये मैंने खुद बनाया है जिससे कि आप आराम से इसको देख के एग्जाम में बना सकें। इसमें कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर शो करने हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आगे आगे हम लोग, हाँ, तो वापस देखते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो चारों तरफ से है बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि पूरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। उसके अंदर एक लिक्विड जैसा भरा होता है जिसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। अब आते हैं इसके मेन कंट्रोलिंग सेंटर पे जो कि है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस तीन चीजों से मिलकर, बेसिकली मेनली देखा जाए ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस, और दिस इज व्हाट जो चारों तरफ से घिरी हुई आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। इसी से लगी हुई दूसरी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये सब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दो टाइप की रेटिकुलम है ये एंडोप्लाज्मिक, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अपियरेंस की वजह से कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डॉट डॉट से लगे हुए, ये क्या है? इसकी वजह से हमको रफ दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर है क्या? ये राइबोसोम्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है वो स्मूथ हमको दिखाई देती क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। गॉल्जी बॉडीज, इसी के पास में एक दूसरी स्ट्रक्चर है, दैट इज गॉल्जी बॉडीज। राइट, गॉल्जी बॉडीज के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपने पढ़ा भी होगा, पावर हाउस ऑफ सेल्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आप बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज और देखिएगा, सीलिया, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला अपीरेंस में दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि जिनका नंबर बहुत ज्यादा होता है वो हम लोग उनको सीलिया कहते हैं, और फ्लैजिला एक या दो होते हैं पूरी सेल में जो कि सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और सीलिया किस में हेल्प करते हैं? सीलिया जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसमें हेल्प करते हैं। राइट, अब ये आप डायग्राम देख लीजिए, समझ लीजिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? सेल इज द बेसिक
फंक्शनल सब यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। और बाकी आप लोगों ने देखा ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड द सेल एंड इनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी सेल को बांधे रखती है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक लिक्विड मटेरियल है सेल के अंदर, दिस इज व्हाट स्पेशलाइज्ड बॉडीज, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडीज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड मैट्रिक्स। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है अंदर, उसमें वो ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। मतलब जैसे नाव सस्पेंडेड रहती है ना पानी में, वैसे ये सस्पेंडेड रहते हैं। ऑर्गेनेल्स किनको कहेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि साइटो न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें जो होती हैं सेल के अंदर, इनको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। आगे देखते क्या क्या होता है, वाटर, डिजॉल्व सब्सटेंस, है ना। डिजॉल्व सब्सटेंस में क्या क्या है, प्रोटीन है और न्यूट्रिएंट है, राइट। अब आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म का डिटेल देखते हैं लोग, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज अ वाटरी सॉल्यूशन, और वाटरी सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, मिनरल्स, गैसेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स, जब भी आप एग्जाम में लेके, ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, मिनरल्स, गैसेस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। दूसरा, केमिकल कंपाउंड उसमें क्या क्या है, मिनरल साल्ट्स जो कि उसमें घुले हुए होते हैं, राइट। सॉल्यूशन किससे बना होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चारों तरफ, पूरे वाटरी मीडियम में घुले हुए होते हैं। साइटोसोल इज द वाटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोसोल है वो उसका जो साइटोप्लाज्म का जो वाटरी पोर्शन है उसको कहेंगे साइटोसोल, और उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केवल ऐसा नहीं कि उसमें पानी भरा हुआ तो कुछ काम ही नहीं होगा। और इसमें होता क्या क्या है, आप देखिए, पोलर कंपाउंड्स सच एस आयनिकली बॉन्डेड मिनरल साल्ट उसमें घुले हुए होते हैं, राइट। और दूसरा, साइटोप्लाज्म जो सेल वॉल होती है, जो सेल की साइटोप्लाज्म होती है, इसमें ग्रेनुल्स, फैट ड्रॉपलेट्स और वॉक्यूल्स भी होती हैं। अब देखते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी, अलग अलग जो उसके अंदर पार्ट्स हैं सेल के, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस जो होता है वो मेनली कंट्रोलिंग सेंटर होता है हमारी पूरी सेल का। और पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर ब्लड सेल्स, मैच्योर ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस ना होने से फायदा ये है कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो सरफेस एरिया है बढ़ जाता है न्यूक्लियस ना होने से। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज ए स्मॉल स्फीयर मेड अप ऑफ आरएनए डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसमें होता क्या क्या है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। और जो उसका राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखते हैं, जब भी हम लोग बात कर रहे थे कंट्रोलिंग सेंटर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप अगेन, न्यूक्लियर पोर है जहां से मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है। दोबारा देख लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए अभी आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी से कनेक्टेड है। इस डायग्राम में आप ज्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं, न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूक्लियस जैसा सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म की तरह वाटरी
मीडियम है इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट, ये अगर सेल के न्यूक्लियस के बाहर है, सेल के अंदर है तो उसको कहते थे साइटोप्लास्ट, न्यूक्लियस के अंदर है तो कहेंगे न्यूक्लियोप्लास्ट। दीज आर वॉट न्यूक्लियर पोर, जो कवरिंग है ये, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी कहेंगे, राइट। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं इसको अभी देखते हैं हम लोग, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बना हुआ है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है इसमें। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये आप देख पा रहे हैं, ये कवरिंग बनाती है, पूरा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसको देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन कैसे फोल्डेड है अंदर, राइट। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, जिसको फोल्ड्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, राइट। और इसी फोल्ड्स में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे मिलती है क्या एटीपी एनर्जी, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कैसे बनती है एनर्जी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं एनर्जी एटीपी, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जहां जिस बॉडी पार्ट्स में या जिस सेल में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, जैसे मसल सेल्स हो गई, ठीक है, और जहां पे सेल्स ज्यादा वर्क करती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अभी आपने देखे होंगे स्ट्रक्चर, आगे भी देखते हैं। दीज आर द फ्लैटेंड सैक्स, मतलब जैसे कटोरी लगी होती ना, या एक दूसरे के ऊपर सजी होती हैं, लाइन के ऊपर उनकी बनी होती है। अगर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, देखिए इस तरीके से बनी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख पा रहे हैं इसको, राइट। अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती कितने प्रकार की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है दो प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, इसके फंक्शन में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपने देख लिया, अभी फिर देख लेंगे, बट यह हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से इसको रफ दिखाई देती है, और दीज आर द साइट ऑफ वॉट, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दीज आर द साइट ऑफ वॉट, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कई टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जो कि दूसरे ऑर्गेनल्स को बनाने में हेल्प करती है। ये देखिए आप, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें चारों तरफ ये डॉट 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 लगे हुए। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करते, लेकिन इनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करते क्या है, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क ये है, पहले तो ये देखिए ये पाए कहाँ जाते हैं, ये लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यहाँ पे होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल इन प्ले करते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हटा देते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ये हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, ग्लूकोज, जिससे फ्री ग्लूकोज मिल जाता है और हमें वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। और ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिनोमेना में यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर ऑफ कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, इट इज लाइक फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, बट प्रोटीन सिंथेसिस हो तो गई,
अब जाएंगे कैसे अलग अलग जगहों पे? जैसे फैक्ट्री में आपने देखा कि माल बनकर तैयार हो गया, अब उसको भेजना कैसे अलग अलग दूसरी जगह? कैसे भेजा जाता है? ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिससे कि पूरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। सामान भेजने का या प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का जो रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड जी कॉम्प्लेक्स। दीज आर द पोस्टल सर्विसेज इनसाइड द सेल, राइट। ये रेडीमेड प्रोटीन्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई हुई है, इसको अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। याद रखिएगा, आगे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये सिस फेस, देखिए इसको बनाने में ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्वेक्स सरफेस जो है इसको सिस फेस कहते हैं, और ये जो कॉन केव सरफेस इसको ट्रांसफेस कहते हैं, और जो बीच की फेस है ये बीच के मीडियल फेस कहते हैं, राइट। अब आप देखते हैं कि प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। प्रोटीन्स इसमें दी बन के आई, ठीक है, इसमें इनक्लोजेस है, इसके साथ फ्यूज हुई इधर, फ्यूज होने के बाद इस सिस फेस से इस तरफ से ये मर्ज हुई, इसके बाद फिर यहाँ से इनका निकलना हुआ, फिर ये धीरे धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे बाहर निकल के ट्रांस फेस से ये बाहर निकल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर वेसिकल फ्रॉम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। ये देखिए इसमें लाइसोसोम्स आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है, जो अलग गोलाई लिए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग लाइसोसोम्स ही कहते हैं, ये कुछ अलग नहीं है। देखिए लिखा हुआ भी है, लाइसोसोम्स आर द वेसिकल्स फ्रॉम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि सेलुलर डेब्रिस, जो सेल के अंदर का मतलब बेकार की चीजें होती हैं, उनको डाइजेस्ट कर देती हैं, जो फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देता है उसके वेसिकल्स के अंदर जाके। और इसके अंदर कम से कम लगभग 60 प्रकार के पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 60 तरह के हथियार हैं इसके अंदर, जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, डाइजेशन करने के लिए जरूरी होते हैं। ये किस मैकेनिज्म से फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। वो प्रोसेस हम लोग अभी आगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है हमारा लाइसोसोम्स के बाद साइटोस्केलेटन। अब देखिए सेल साइटोस्केलेटन, ऐसे हम लोग अगर बात करें तो साइटोस्केलेटन इज लाइक अवर स्केलेटन, राइट। अपना स्केलेटन क्या काम करता है कि हमें एक पूरे फॉर्म में या एक फिक्स शेप में बना के रखता है। अगर हमारे शरीर के अंदर से स्केलेटन हटा दिया जाए, हमारा अनइवन स्ट्रक्चर हो जाएगा, अमीबा की तरह हम लोग हो जाएंगे, कभी ये शेप कभी वो शेप, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन सेल के अंदर की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उनका प्रॉपर शेप और साइज बनाए रखती हैं। कौन कौन सी होती है साइटोस्केलेटन, इसके नाम याद रख लीजिएगा, डायग्राम में देखिए अच्छे से बना हुआ है, साइज याद रखिएगा, जो कि आपको बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये पीछे साइटोस्केलेटन में सबसे पहले, ये तो आर्टिस्टिक डायग्राम है, ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए, देखने के लिए बना है। मेनली जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है ये बनाना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। और क्या करते हैं, ये प्रोवाइड सपोर्ट एंड मोटिलिटी और फॉर दी सेलुलर एक्टिविटीज। दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, वो सेफ बनाए रखने में हेल्प करते हैं, सेफ ऑफ दी सेल, कौन से, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और नेक्स्ट क्या है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो सेल मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ये मिलकर बने होते हैं एक्टिन सब यूनिट से। अब आप कहेंगे कि भाई
वो तो बन गया आपका, जो पीछे देखेंगे टिब्यूलियन से मिलकर बना होता है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट के बनाने में कई प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं, और माइक्रो फिलामेंट्स के बनाने में एक्टिन प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं सीलिया और फ्लैजिला। डायग्राम आप देख लेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं ये मूवमेंट में है पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, फ्लैजिला जो होते हैं ज्यादा लंबे होते हैं और कम होते हैं, सीलिया होती हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं और ज्यादा होती है। एग्जाम्पल इसका अगर देखते हैं कि जैसे स्पर्म है, स्पर्म जैसे आगे जा रहा होता तो उसके पीछे एक टेल होती जिसको कहेंगे फ्लैजिला। सीलिया कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें कि म्यूकस मूव करता है, सीलिया की हेल्प से म्यूकस मूव करता है, समझ गए आप? तो फ्लैजिला, अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, फ्लैजिला की सेल के खुद के मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो फ्लैजिला खुद के मूवमेंट हेल्प करता है, और सीलिया जो है जो वहां पे मटेरियल है उसको मूव कराने में हेल्प करता है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रियोल्स। व्हाट आर द सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स एक्ट एज माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप गिव राइज टू माइक्रो ट्यूब्यूल्स दैट मेक्स अप द स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग। नेक्स्ट आर पराक्सीसोम्स। पराक्सीसोम्स आर ऑर्गेनेल्स कॉमन इन लिवर एंड किडनीज। ये लिवर और किडनी में ही पाए जाते हैं, और लिवर और किडनी का क्या काम है हमारे शरीर में? दीज आर लाइक अवर फिल्टर्स, ठीक है। पराक्सीसोम जैसी स्ट्रक्चर और लिवर और किडनी में मेनली पाई जाएगी तो इसका काम क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं कि ये जैसे लीवर और किडनी टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करते हैं, तो इससे ही संबंधित इसका काम होगा। क्या काम है इसका? दैट ब्रेक्स डाउन पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है उनका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को किसमें? वाटर में। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स।